मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैतूल के कृषि उच्चतर स्कूल के भवन और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बता दें कि पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल की कोशिशों से इस स्कूल को समेकित स्कूल बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद स्कूल को विकसित नहीं किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त कर रहे हैं ताकि गरीब बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकें। स्कूल को सीएम राइजिंग योजना के तहत विकसित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने तीसरी लहर को लेकर आवश्यक इंतजाम करने के लिए कहा कि उन्होंने अचानक संक्रमण आने की स्थिति में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए विभाग को तैयार रहना चाहिए। बच्चे को कहीं भी लोग पढ़ा सकते हैं, उसके लिए ना तो सरकार ना हम राजनीतिक दृष्टि से उसको सोचते हैं। कई प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, उसको हम नहीं रोक रहे हैं। हम हमारे स्कूलों को अच्छा कर रहे हैं, सर्व सुविधा युक्त कर रहे हैं, ताकि गरीब का बच्चा भी बगैर पैसे से अच्छी पढ़ाई कर सके। जिनकी इच्छा होगी उन्हीं बच्चों को हम पढ़ाने का काम करेंगे। जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे, ना ही दूसरे स्कूलों को बंद करेंगे। हम दूसरे स्कूलों को भी बंद नहीं करें, हम तो उन स्कूलों की भी पढ़ाई ठीक हो, उसमें ये सेंटर जो बन रहे हैं ये उनमें मददगार कैसे हो सकते हैं, इसलिए मददगार की भूमिका तय करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था खड़ी मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। मैं समझता हूँ इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है। 2017 में जब मैं विधायक था तो मैंने सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो फर्क देखा उसको लेके मैंने हमारे उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज जी को और शिक्षा मंत्री पारस जैन जी और विजय शाह जी को उस समय सुझाव दिया कि हमारे सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। बैतूल का ही उदाहरण दूं तो 2017 में 205,000 बच्चे थे, फिर 190,000 हुए, उसके बाद 170,000 हुए, वर्तमान की स्थिति मुझे नहीं मालूम। तो लगातार बच्चे 10% से कम होते जा रहे हैं, जबकि नंबर ऑफ स्कूल